प्रसिद्ध विमानन कंपनी जेट एयरवेज को इंदौर हाई कोर्ट की बेंच द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि बुकिंग के नाम पर 4,000 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठे करने के मामले में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसी के आधार पर एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस एस सी शर्मा तथा वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में अल्पेश भट्ट की ओर से एक याचिका दायर करते हुए यह कहा गया कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बावजूद कंपनी ने एक साल के लिए यात्रियों की बुकिंग कर ली। यात्रियों से लिए गए रुपये से वह अपना लोन कर्ज के रूप में चुका रहा है। भविष्य में आर्थिक हालत और बिगड़ी तो कंपनी यात्रियों को सफ़र नहीं करा सकेगी। उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है और उसकी देनदारी बढ़ती ही चली जा रही है। बैंकों ने भी उस पर अपना शिकंजा कस दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है।